क्रॉप इम्प्रूवमेंट का दूसरा लेक्चर है धान फसल उन्नयन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइस क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अपने शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन या परिचय देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आपके फर्स्ट पेपर के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अपने इसको करेंगे आगे, तो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम क्या है अभी, इसको धान या चावल बोल देते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं, पैडी या राइस, ठीक है। दूसरा बॉटनिकल नेम की बात करें, वनस्पतिक नाम की, तो इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है अभी, ओराइजा स्टाइवा, ठीक है। ओराइजा इसका क्या है, वंश है या जीनस है, और स्टाइवा क्या है, इसकी जाति है या स्पीसीज है। अब जब भी आपसे किसी भी क्रॉप का बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम पूछा जाए तो आप हमेशा उसको इंग्लिश में ही लिखोगे, ठीक है, कभी भी हिंदी में मत लिखना, क्योंकि ना एक सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, द्विनाम पद्धति, ये आपने सुना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो इंग्लिश नेम पर ही होते हैं, हिंदी नेम पर नहीं होते। जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या कहता है कि जो जीनस है या वंश है उसका पहला अक्षर कैसा होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। तो कैपिटल कैसे लिख सकते हैं फिर अपने, इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में तो नहीं लिख सकते। दूसरा क्या कहता है कि जो जाति है उसका पहला अक्षर कैसा होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक है। और जब भी आप लोग वनस्पतिक नाम लिखोगे तो अंडरलाइन जरूर करोगे, वंश के नाम को अलग से अंडरलाइन करना है और जो जाति का नाम है उसको अलग से अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति के रूल्स हैं। तो इसलिए किसी भी फसल का या क्रॉप का आपसे बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम अगर पूछा जाता है तो आप इंग्लिश में ही लिखोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद इसकी फैमिली या कुल की बात कर लेते हैं। तो ये पोएसी या ग्रैमिनी कुल का सदस्य है, ठीक है, तो फैमिली भी इसकी पूछी जा सकती है। उसके बाद गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर की बात करें, तो हर एक जाति के लिए गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं वो फिक्स रहता है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर अपने धान के लिए बात करें तो ये कितना रहता है अभी, 24 रहता है, 2N इज इक्वल टू 2X इज इक्वल टू 24 या 24, ठीक है। यहाँ पे 2X का मतलब क्या है, 2X का मतलब ये है कि ये डिप्लॉइड है या द्विगुणित है, इसका मतलब इसमें पॉलीप्लॉइडी नहीं करवाई गई, ठीक है ना। तो ये द्विगुणित या डिप्लॉइड संख्या है किसकी, क्रोमोसोम्स की, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं जातियों की। तो ओराइजा वंश जो है ना, जो ओराइजा जीनस है, इसके अंदर टोटल कितनी स्पीसीज आती हैं, 24 जातियां आती हैं। इन 24 में से जो 22 जातियां हैं या 22 स्पीसीज हैं वो कैसी हैं अभी, वाइल्ड हैं या जंगली हैं, जबकि जो बाकी बची हुई दो जातियां हैं या स्पीसीज हैं वो क्या हैं, कृषि हैं यानी कल्टीवेटेड हैं, यानी उनकी हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं या खेती करते हैं, ठीक है। तो कृषि जातियाँ कौन कौन सी हैं उनकी अगर अपने बात करें, तो दो मुख्य जातियाँ हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इसमें से पहली जो है ओराइजा सटाइवा, जो मैंने अभी आपको बताया पहले, और दूसरी जाति कौन सी है, ओराइजा ग्लैबरिमा। तो इन दो जातियों का कल्टीवेशन किया जाता है या इनकी खेती की जाती है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, कृषि जातियाँ या कल्टीवेटेड स्पीसीज, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओराइजा सटाइवा। तो ओराइजा स्टाइवा की बात करें तो ये मुख्य कृषि जाति है, मुख्य का मतलब ये है कि दोनों कृषि जातियों में से सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें किसको उगाया जाता है, ओराइजा स्टाइवा को उगाया जाता है। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी धान या राइस उगाया जाता है सबसे ज़्यादा कौन सी जाति को उगाया जाता है, ओराइजा सटाइवा को उगाया जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मुख्य कृषि जाति है या मेन कल्टीवेटेड स्पीसीज है, ठीक है। तो इसका जो कल्टीवेशन है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर किया जाता है, ठीक है, संपूर्ण विश्व में इसकी जो खेती है वो की जाती है इस जाति की। इसको तीन उपजातियों के अंदर या सब स्पीसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इन उपजातियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इस पे क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो इन तीन उपजातियां जो हैं वो कौन सी हैं, सब स्पीसीज, इंडिका, जेपोनिका और जेवेनिका। अगर अपने इंडिका की बात करें तो ये गर्म क्षेत्रों में देखने को मिलती है, यानी कि वार्म एरियाज में देखने को मिलती है, यानी ऐसे क्षेत्र या एरियाज जहाँ पर
समर सीज़न के अंदर या गर्मियों के अंदर जो दिन का तापमान है वो 45 डिग्री तक या 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, क्या कहलाते हैं, वार्म एरियाज़ या गर्म क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो उन एरियाज़ के अंदर इंडिका उपजाति जो है वो देखने को मिलती है। दूसरा तभी जेपोनिका, जेपोनिका कहाँ देखने को मिलती है, ठंडे क्षेत्रों के अंदर या कोल्ड एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे समर सीज़न के अंदर जो दिन का तापमान है वो लगभग 25 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों के अंदर जेपोनिका उपजाति या सब स्पीसीज को उगाया जाता है। और तीसरा आता है जेवेनिका, जेवेनिका कहाँ पे होता है, भी मध्यवर्ती क्षेत्रों में, यानी कि जो तापमान है वो ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब मध्यम तापमान रहता है। तो मध्यवर्ती क्षेत्रों के अंदर या इंटरमीडिएट एरियाज़ के अंदर जेवेनिका उपजाति या सब स्पीसीज को उगाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है, तो इंडोनेशिया में जेवेनिका को उगाया जाता है। उसके बाद दूसरी जाति की हम लोग बात करते हैं, ओराइजा ग्लैबरिमा की। ठीक है, तो ओराइजा ग्लैबरिमा की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है, अभी गर्म क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, यानी कि वार्म एरियाज के अंदर ये देखने को मिलेगी। इसकी इसका जो कल्टीवेशन है या इसकी जो खेती है वो कहाँ पे की जाती है, पश्चिम अफ्रीका के अंदर। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ नहीं वेस्ट, सॉरी वेस्ट अफ्रीका के अंदर इसका कल्टीवेशन किया जाता है या इसकी खेती की जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जो फार्मर्स हैं वो इस जाति का यानी ओराइजा ग्लैबरिमा का जो कल्टीवेशन है या इसकी जो खेती है वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह पे दूसरी जाति जो है यानी ओराइजा सेटाइवा जो है उसका उपयोग बढ़ गया है। ठीक है, इसका मतलब धीरे धीरे ओराइजा ग्लैबरिमा जो जाति है इसका स्थान ओराइजा सेटाइवा जाति के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम ओराइजा सेटाइवा को क्या बोलते हैं, मुख्य कृषि जाति या मेन कल्टिवेटेड स्पीसीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ओराइजा ग्लैबरिमा के बारे में। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अपने उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं। तो हम लोग दो ही जातियों के बारे में बात करेंगे, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लैबरिमा के बारे में। सबसे पहले ओराइजा सेटाइवा की बात करते हैं। तो ओराइजा सेटाइवा जो है उसको एशियन धान या एशियन राइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है अभी, क्योंकि इसकी जो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है या इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर हुआ है, दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर, यानी साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एशिया से संबंधित है, इसीलिए इसको एशियन धान या एशियन राइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो एक जंगली जाति से हुआ है, एक वाइल्ड स्पीसीज से हुआ है, और उस वाइल्ड स्पीसीज का नाम क्या है, अभी ओराइजा रूफीपुगोन। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो ओराइजा रूफीपुगोन जाति है ये कैसी होती है, बहुवर्षीय होती है, यानी कि पेरिनियल होती है। ठीक है, लेकिन जो ओराइजा सेटाइवा है ये कैसी होती है, एनुअल होती है। ठीक है, यानी कि वार्षिक होती है। तो इसका मतलब ओराइजा सेटाइवा जो है उसका जीवन काल जो है वो एक वर्ष से भी कम समय में पूर्ण हो जाता है। आपको पता ही होगा जो धान है उसकी हम लोग अधिकतम 3 फसलें जो हैं ले सकते हैं एक सीज़न के अंदर। ठीक है, तो ये खास बात होती है ओराइजा सेटाइवा की, तो ये पकने में बहुत कम समय लेती है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं ओराइजा ग्लैबरिमा की। ओराइजा ग्लैबरिमा जो है इसको अफ्रीकन धान भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ पर हुई है, पश्चिम अफ्रीका के अंदर, यानी कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ओराइजा ग्लैबरिमा के बारे में। चलिए उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी क्रॉप्स हम लोग पढ़ेंगे उन सब के सेंटर ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति केंद्र आपको जरूर पता होने चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं पुष्पीय बायोलॉजी या फ्लोरल बायोलॉजी। ठीक है, तो इसका फ्लावर किस टाइप का होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग इसमें जो ब्रीडिंग है वो करवा सकते हैं, यानी कि इसमें प्रजनन विधियों का जो उपयोग किया जाता है वो इसकी पुष्प की स्ट्रक्चर जो है या जो फ्लावर है उसकी स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग ब्रीडिंग या प्रजनन इसमें करवा सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले इसके अंदर कौन सा पुष्पक्रम उपस्थित होता है या कौन सा इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है? तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, हॉर्टिकल्चर के अंदर अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग पुष्पक्रम होते हैं, ठीक है ना? तो धान जो है उसके अंदर कौन सा पुष्पक्रम होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा होता है भाई? स्पाइक, या इसको बोल देते हैं पैनिकल, ठीक है, स्पाइक या पैनिकल, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पुष्पन की बात करते हैं हम लोग। पुष्पन का मतलब ये है कि जैसे पुष्पों का निर्माण है, ठीक है ना, पुष्प क्रम के अंदर या इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लावर का फॉर्मेशन है या पुष्पों का निर्माण है वो क्या कहलाता है? पुष्पन कहलाता है। तो ये जो पुष्पन है वो कब शुरू होता है? तो ये जैसे ही पेनिकल्स बनती हैं, ठीक है, जैसे ही स्पाइक का निर्माण होगा, ठीक है, उसके निर्माण के तुरंत बाद ही जो पुष्प का निर्माण है यानी कि जो पुष्पन की प्रक्रिया है, फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो पुष्पन है वो किस प्रकार से होता है? तो पेनिकल जो है वो एक लंबी संरचना होती है, एक एलोंगेट स्ट्रक्चर होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है अभी पुष्पन या फ्लावरिंग की? तो ऊपरी भाग जो होता है इसका, जो शीर्ष भाग होता है, वहाँ से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और नीचे की तरफ जो फ्लावरिंग है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर जो फ्लावर्स हैं उनका मैचुरेशन होता है, यानी सबसे पहले कौन सा फ्लावर मैच्योर होगा? जो सबसे ऊपर उपस्थित होगा, और सबसे बाद में कौन सा होगा? जो सबसे नीचे की तरफ उपस्थित होगा, ठीक है। तो पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो पेनिकल के शीर्ष भाग से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती है, ठीक है। चलिए, अब जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो दिन में होता है, ठीक है, और कौन से टाइम में होता है सबसे ज़्यादा? तो ये होता है सुबह 8 से लेके 10 बजे के मध्य, ठीक है। सुबह 8 से 10 बजे के मध्य धान के अंदर फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसलिए अगर हम विपणसन या संकरण वगैरह करवाना चाहते हैं तो ये टाइम जो है वो हमें पता होना चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो कितने दिनों में पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना? तो ये टाइम आपको पता होना चाहिए, 6 से 7 दिनों के समय लेती है ये। तो 6 से 7 दिन में जो फ्लावरिंग का प्रोसेस है या पुष्पन की प्रक्रिया है पैनिकल के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये टाइम आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब अपने बात करते हैं कि एक जो स्पाइक है या एक जो पैनिकल है उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? अभी स्पाइक की कायें उपस्थित होती हैं या स्पाइकलेट्स उपस्थित होते हैं इंग्लिश में कहें तो, ठीक है। तो कितनी स्पाइकलेट्स या स्पाइकिकाएं उपस्थित होती हैं एक स्पाइक के अंदर या एक पेनिकल के अंदर? तो इनकी संख्या हमेशा ध्यान रखनी है 80 से लेके 300 तक, यानी कि मिनिमम कितनी हो सकती हैं? 80 हो सकती हैं, 80 हो सकती हैं, और अधिकतम कितनी? 300 या 300 हो सकती हैं। तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब अपने इसको डायग्राम से देखते हैं कि इसका जो पुष्पक्रम है या इन्फ्लोरेसेंस है वो किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा। तो अपने नीचे से शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि जो धान का पौधा है, ठीक है, उसमें मेन स्टेम जो है उसके शीर्ष भाग पर, ठीक है, उसके एपेक्स पर जो पुष्पक्रम है या इन्फ्लोरेसेंस है या पेनिकल या स्पाइक जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए इसका क्या है, स्टेम है या तना है। तो स्टेम के ऊपर जो लीव्स हैं वो उपस्थित होंगी ग्रीन कलर की, ठीक है। इनमें किस तरह का बनेशन होता है? पैरेलल बनेशन होता है, क्योंकि जो धान है वो कैसा है अभी? एक बीजपत्री है, और एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं यानी कि जो मोनोकोट्स होते हैं उनकी लीफ के अंदर बनेशन या जो शिरा विन्यास है वो किस तरह का होता है? समानांतर होता है या पैरेलल होता है, ठीक है। चले उससे थोड़ा सा ऊपर अगर अपने चलें तो एक ऐसी पर्ण होती है या एक ऐसी लीफ होती है जिसके कक्ष से या जिसके एक्सिस से पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस विकसित होता है, और इस पुष्प इस पर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्वज पर्ण, ठीक है। तो ध्वज पर्ण पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ होती है ये, ऐसी लीफ या पर्ण जिसके कक्ष से या एक्सिस से पुष्पक्रम विकसित होता है क्या कहलाती है? ध्वज पर्ण, या फ्लैग लीफ भी बोल देते हैं इंग्लिश में इसको, या इसको बूट लीफ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो जो पुष्पक्रम का स्टॉक है या व्रंथ है वो क्या कहलाता है अभी? रैकिस, ठीक है, इसको बोल देते हैं रैकिस। हिंदी में भी रैकिस बोलते हैं, इंग्लिश में भी ये बोलते हैं। उसके बाद क्या होती है? इसका नेक होता है या ग्रीवा होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की तरफ मुख्य अक्ष होता है इसका, मेन एक्सिस होता है, और मेन एक्सिस से बहुत सारी ब्रांचेस या शाखाएं निकली हुई
रहती हैं। ठीक है, अब अपने देखते हैं सबसे पहली जो शाखा होती है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष या मेन एक्सेस से जो सबसे पहली शाखा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राथमिक शाखा या प्राइमरी ब्रांच। ठीक है, और प्राथमिक शाखा पर अगर कोई शाखा और उपस्थित है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, द्वितीयक शाखा या सेकेंडरी ब्रांच। ठीक है, अब अपने बात करते हैं स्पाइकलेट्स की या स्पाइकिकाओं की। तो जो स्पाइकिकाएं हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं, भी प्राथमिक और द्वितीयक शाखाओं पर, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस जो हैं उन पर जो स्पाइकलेट्स हैं या स्पाइकिकाएं जो हैं वो उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये स्पाइकिकाएं हैं या स्पाइकलेट्स हैं। चलो, तो ये है भी पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस धान या पैडी के अंदर। तो ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है जो आपको पता होनी चाहिए पुष्पक्रम के बारे में। चलिए, अब इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपने। अब अपने बात करते हैं कि जो हर एक स्पाइकिका है उसके अंदर कितने पुष्प होते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना है कि धान के अंदर या पैडी के अंदर एक स्पाइकलेट या स्पाइकिका के अंदर एक ही फ्लावर होता है या एक ही पुष्प होता है। तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, ये इसकी एक बंद स्पाइकिका है या एक क्लोज्ड स्पाइकलेट है। तो क्लोज्ड स्पाइकलेट के अंदर आपको बाहर से कौन कौन से भाग जो हैं इसके दिखाई देंगे, तो आपको सबसे नीचे की तरफ बंधे सहपत्र दिखाई देते हैं या स्टेराइल ब्रैक्ट्स दिखाई देते हैं, और इन स्टेराइल ब्रैक्ट्स को क्या बोल देते हैं, ग्लूम्स। ठीक है, इनको ग्लूम बोलते हैं। तो कितने होते हैं ग्लूम भाई, दो ग्लूम्स होते हैं। ठीक है, अब जो फ्लावर है या पुष्प है ये बंद रहता है। ठीक है, किसके अंदर बंद रहता है, लेम्मा और पेलिया के अंदर। ठीक है, एक तो लेम्मा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पेलिया। तो लेम्मा और पेलिया के अंदर ये क्या रहता है, बंद रहता है पुष्प जो है। और लेम्मा और पेलिया क्या है भी, ये भी क्या है, बंधे सहपत्र हैं या स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो स्टामेंस हैं या पुंकेसर जो हैं बाहर निकल आते हैं। ठीक है ना, बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, तो इस तरह से पुंकेसर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक बंद स्पाइकलेट स्पाइकिका या स्पाइकलेट जो है या क्लोज्ड स्पाइकलेट जो है वो इस तरह से दिखाई देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो स्पाइकलेट है या स्पाइकिका है वो अंदर से किस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, तो अंदर से जब हम इसको देखते हैं तो मैंने आपको भी बताया कि इसके अंदर एक ही पुष्प होता है। ठीक है ना, कितने पुष्प होते हैं इसके अंदर, एक ही पुष्प होता है। और ये पुष्प कैसा होता है भी, द्विलिंगी होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब इसमें पुंकेसर और जो अंडप है वो दोनों के दोनों एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होंगे। ऐसे पुष्प या फ्लावर्स क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और पुष्प कैसा होगा भी, एक व्यास सममित होगा, यानी कि जाइगोमॉर्फिक होगा। इसका क्या मतलब है, पुष्प को केवल एक ही काट के द्वारा, है ना, केवल एक ऐसा अक्ष होगा या एक्सिस होगा जिससे काटने पर हम लोग उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो सममिति है या सिमिट्री है वो क्या कहलाती है, एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब अपने इसके अंदर की तरफ देखें तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सेंटर में आपको अंडप दिख रहा होगा, अंडप या इसको कार्पल बोल देते हैं। अब ये जो कार्पल है इसके बिल्कुल आधार पर आपको दो स्केल लाइक या शल्कनुमा संरचनाएं दिख रही होंगी, इनको बोल देते हैं लोडिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोल देते हैं, लोडिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, लोडिक्यूल्स कितने होते हैं भी, दो होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं पुंकेसर या स्टामेंस की। ठीक है, तो इस पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान की फसल के अंदर कितने पुंकेसर या स्टामेंस होते हैं एक पुष्प में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, टोटल कितने होते हैं, छः होते हैं। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा तीन पुंकेसर या स्टामेंस तो ये हैं, और तीन पुंकेसर या स्टामेंस ये हैं, तो तीन और तीन कितने हो गए, छः। तो धान के एक पुष्प में कितने पुंकेसर होते हैं या स्टामेंस होते हैं, छः होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर ये चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं, मैंने आपको बताया पेलिया और लेम्मा, इन दोनों के द्वारा ये ढके हुए रहते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। चलो, तो ये है अभी इसका एक अंदर से, एक जो स्पाइकिका है वो अंदर से किस तरह से दिखाई देती है, उसके अंदर जो पुष्प है वो किस तरह से दिखाई देता है वो हम लोग देख लेते हैं। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसके पुष्पीय भागों की। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको पुष्प चित्र भी बोल देते हैं या फ्लोरल डायग्राम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है भाई, मातृ अक्ष या मदर एक्सिस। मातृ अक्ष या मदर एक्सिस कौन सा होता है, ऐसी शाखा
है ना, पौधे की ऐसी शाखा या ब्रांच या ट्विग, या हिंदी में इसको बोल देते हैं टहनी, जिस पर पुष्प लगा रहता है वो क्या कहलाती है, इसके लिए मातृअक्ष या मदर एक्सिस कहलाती है। ठीक है, चलिए अब ये मातृअक्ष है और इसके नीचे की तरफ ये क्या लगा हुआ है, पुष्प लगा हुआ है। अब इस पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग हमें दिखाई देते हैं, तो सबसे ऊपर की तरफ आपको दिखेगा ग्लोम। ठीक है, तो ग्लोम के बारे में मैंने आपको बता दिया थी कि ये क्या होता है, स्टेराइल या बंधे सहपत्र होता है। ठीक है, अब ग्लोम के नीचे की तरफ क्या होगा, भाई पेलिया होगी। ठीक है, पेलिया जो है वो भी क्या है, एक स्टेराइल या बंधे सहपत्र है। और पेलिया के नीचे की तरफ पुंकेसर व कार्पल यानी कि अंडब जो है वो उपस्थित होते हैं। तो ये आपको दिख रहे होंगे ग्रीन कलर के पुंकेसर या स्टामेंस। तो ये जो पुंकेसर या स्टामेंस हैं ये कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो ये तीन तीन के दो वॉल्स के अंदर या तीन तीन के दो चक्रों के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये तो है अंदर वाला चक्कर, इसके अंदर तीन स्टामेंस हैं, और ये है बाहर वाला चक्कर जिसके अंदर तीन स्टामेंस हैं। तो 3+3 की व्यवस्था जो है इसके अंदर रहती है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा होगा अंडप या कार्पल, और कार्पल के अंदर कितने बीजांड होते हैं, अभी तो ध्यान रखना है इसके अंदर केवल एक बीजांड उपस्थित होता है या केवल एक ओव्यूल इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको दिख रहा होगा पंखनुमा संरचनाएं दिख रही होंगी दोनों तरफ। ठीक है, तो ये पंखनुमा संरचनाएं क्या है, अभी ये है इसकी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। तो इसकी जो वर्तिकाग्र है वो बाइफिड होती है, बाइफिड का मतलब ये है कि वो दो भागों में विभाजित होती है, और इसकी सतह के ऊपर, वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं या रोम पाए जाते हैं। ये रोम किस लिए होते हैं, ताकि जो परागकण हैं उनको ग्रहण किया जा सके। ठीक है ना, परागकणों को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण किया जा सके, इसलिए ये किस नेचर के होते हैं, हेयरी या रोमीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा आपको दो चीज़ और दिख रही होगी यहाँ पे, लोडिक्यूल्स। ठीक है, लोडिक्यूल्स क्या चीज़ होते हैं, अभी हमें पता है कि जो धान का पुष्प है उसके अंदर ना तो सेपल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बाह्य दल नहीं होते, ना ही पेटल्स होते हैं, उसके अंदर जो दल हैं वो भी नहीं होते। ठीक है, दल और बाह्य दलों का पूर्णतः अभाव होता है, या इंग्लिश में कहें तो सेपल्स एंड पेटल्स का इसमें पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, इसकी जगह पे क्या होते हैं, इसमें टेपल्स होते हैं। ठीक है, या उसको क्या बोल देते हैं, परिदल, टेपल्स। और परिदल जो है या टेपल्स जो है उनके चक्कर को या वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियंथ। ठीक है, परिदल पुंज, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं पेरियंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोडिक्यूल्स हैं ये वास्तव में हैं क्या, टेपल्स हैं, या इनको बोल देते हैं परिदल। तो टेपल्स या परिदल जो हैं ये कैसे होते हैं, भी ह्रासित होते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, और इन रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, लोडिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको टेपल्स या परिदल न बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि ये परिदल या टेपल्स बहुत ज़्यादा ह्रासित होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अब इसके अंदर का भाग। उसके बाद नीचे की तरफ क्या होता है, लेम्मा होता है। तो लेम्मा का जो साइज़ है या आकार जो है वो पेलिया से बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। तो लेम्मा भी क्या है, एक स्टेराइल या बंधे ब्रैक्ट या सहपत्र है। ठीक है, और उसके बाद सबसे नीचे की तरफ क्या होगा, इसके अंदर ग्लूम होगा। तो ऊपर की तरफ भी ग्लूम है और नीचे की तरफ भी ग्लूम है, तो ग्लूम्स की संख्या कितनी होगी, दो होगी। तो दो ग्लूम्स होते हैं इसके अंदर। तो ये है भी इसके पुष्प की संरचना या इसका फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। उसके बाद परागण की बात करते हैं कि जो धान है, धान की फसल जो है, इसके अंदर परागण किस तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्पाइकिका है, ठीक है, वो 30 मिनट के लिए खुलती है। अब इसके खुलने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प है वो बंद रहता है किसके द्वारा, लेम्मा और पेलिया के द्वारा। तो लेम्मा और पेलिया दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पुष्प का खुलना। ठीक है, इसको बोल देते हैं ओपनिंग ऑफ फ्लावर। तो ये जो प्रक्रिया है वो कितने टाइम तक होती है, 30 मिनट के लिए होती है। तो 30 मिनट तक जो लेम्मा और पेलिया हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, जिससे जो पुष्प है वो खुल जाएगा। और 30 मिनट होते ही जो लेम्मा और पेलिया हैं वो वापस जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पुष्प जो है वो वापस बंद हो जाता है। ठीक है, चलो अब जैसे ही स्पाइकिकाएं खुलती हैं,
ठीक है, स्पाइकिका जो है जैसे ही खुलेगी उसके तुरंत बाद ही क्या हो जाएगा, पराकोष का स्फुटन हो जाता है। और पराकोष का स्फुटन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पराकण है ना, या पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर के डाइसेंस से या पराकोष के स्फुटन से वो क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, है ना, यानी कि वो परागण के लिए या पॉलिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो वर्तिकाग्र है वो कितने टाइम के लिए या कितने समय के लिए ग्रहणशील रहती है, ठीक है, या सेंसिटिव रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक दिन के लिए जो वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा जो है उसकी ग्रहणशीलता या रिसेप्टिविटी जो है वो बनी रहती है। ठीक है, तो एक दिन के अंदर अंदर पॉलिनेशन या परागण होना जरूरी होता है। अगर एक दिन में परागण या पॉलिनेशन नहीं हुआ तो आगे निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और आगे ग्रेन जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एक दिन का टाइम जो है वो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा देती है पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन या परागण के। ठीक है, अब जो धान की फसल है या जो पैडी क्रॉप है इसके अंदर परागण किसके द्वारा होता है या किसके माध्यम से होता है, तो ये होता है वायु के द्वारा। ठीक है ना, तो धान में वायु परागण होता है। अब वायु परागण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं या इसकी साइंटिफिक टर्म क्या है, एनिमोफिली। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, एनिमोफिली, या हिंदी में बोल देते हैं वायु परागण। तो ऐसे पौधे जिनमें वायु परागण पाया जाता है उनमें जो पुष्प होते हैं, उनमें जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है, उनके जो परागकोष होते हैं वो कैसे होते हैं, मुक्त दोली होते हैं। मुक्त दोली होने का मतलब क्या है कि जो परागकोष हैं वो पुतंतु के ऊपर यानी कि जो एंथर्स हैं वो फिलामेंट के ऊपर हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, है ना, फ्रीली मूव कर सकते हैं ताकि आसानी से वो क्या कर सकें, परागकणों को गिरा सकें। ठीक है ना, ताकि आसानी से वो परागकणों को गिरा सकें, तो इसको क्या बोलते हैं, मुक्त दोली परागकोष। ठीक है, या वर्सेटाइल एंथर्स। तो वर्सेटाइल एंथर्स किस में पाए जाते हैं, धान के अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ धान में ही नहीं, पोएसी या ग्रेमिनी कुल के जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी सदस्य हैं उन सभी में वर्सेटाइल या मुक्त दोली परागकोष या एंथर्स पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब धान में कैसा परागण होता है, स्वपरागण होता है या परपरागण होता है, तो धान के अंदर क्या होता है भाई, स्वपरागण होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो फिर परपरागण इसमें होता है या नहीं, तो ये होता है 2% से भी कम, तो 2% से भी कम मात्रा में पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर होता है। मैंने आपको बताया था कि 30 मिनट के लिए स्पाइकिका खुलती है, तो इन 30 मिनटों के अंदर कोई परागकण जो है वो बाहर से आ सकता है। ठीक है ना, किसी दूसरे पौधे से जो परागकण है वो आकर परागण कर सकता है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो कम रहती है क्योंकि जो फ्लावर है वो सिर्फ 30 मिनट के लिए ही खुला रहता है। तो बहुत कम परागकण किसी दूसरे पौधे से आकर परागण कर सकते हैं, तो इसका मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन है या पर परागण है वो बहुत ही कम होता है। और कितना होता है, 2% से भी कम होता है, तो 98% या इससे भी ज़्यादा क्या होगा, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होगा इसके। चलिए उसके बाद इसके फ्रूट की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट जो है यानी फलों के जो प्रकार हैं ये आपने हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़े होंगे। तो फल का एक प्रकार होता है कैरियोप्सिस, है ना, तो धान के अंदर फल जो है वो किस प्रकार का होता है, कैरियोप्सिस टाइप का होता है। अब कैरियोप्सिस में हम लोग कैरियोप्सिस को ही बीज बोलते हैं और कैरियोप्सिस को ही हम लोग फल बोलते हैं। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि कैरियोप्सिस के अंदर क्या होता है, जो बीज चोल है वो फल भित्ति के साथ फ्यूज्ड हो जाता है या उसके साथ संलयित हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये नहीं बता सकते कि इसमें फ्रूट कौन सा है और सीड कौन सा है, तो उसी को हम लोग फ्रूट बोल देते हैं और उसी को क्या बोल देते हैं, सीड बोल देते हैं। तो कैरियोप्सिस में जो सीड कॉट है वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड रहता है। ठीक है, ये खास बात होती है कैरियोप्सिस फ्रूट की, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की, कि हम लोग धान के अंदर जो प्रजनन विधियां उपयोग करते हैं या जो ब्रीडिंग मेथड्स का हम लोग यूज़ करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या किन उद्देश्यों के लिए हम लोग प्रजनन करवाते हैं धान के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, अलग अलग क्रॉप्स में ये परिवर्तित होते रहते हैं, तो आज हम लोग धान के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला है अधिक उपज या हायर यील्ड। तो मैंने आपको बताया था कि अधिकांश फसलों के अंदर या मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है वो यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज जो है या जो प्रोडक्टिविटी है वो मिल सके, है ना, प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल से या एरिया से।
ठीक है। अब धान से हमें ज़्यादा उपज लेनी है, तो धान में जो उपज है वो कई कारकों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, पेनिकल की लंबाई, पेनिकल जितनी लंबी होगी उसमें स्पाइकिकाओं की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो जितनी ज़्यादा संख्या में स्पाइकिकाएं उतनी ही ज़्यादा संख्या में ग्रेन्स या दाने बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो पहला कारक ये हो गया। दूसरा है प्रति पेनिकल दानों की संख्या, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर पेनिकल। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, पेनिकल्स में ज़्यादा संख्या में ग्रेन्स बनेंगे तो ज़्यादा यील्ड या उपज आएगी। तीसरा आता है परीक्षण भार या टेस्ट वेट। तो बीजों का जो भार है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही पर बीघा जो उपज है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। चौथा है प्रति इकाई क्षेत्रफल में पेनिकल्स की संख्या, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल का मतलब ये है कि जैसे 1 हेक्टेयर की बात कर लें तो 1 हेक्टेयर में जितनी अधिक संख्या में स्पाइकिकाएँ होंगी या सॉरी पेनिकल्स होंगी, जितनी अधिक संख्या में पेनिकल्स होंगी उतना ही ज़्यादा उपज आएगी या उतनी ही ज़्यादा उत्पादकता आएगी। तो ये 4 कारक हैं जो उपज से संबंधित होते हैं धान की फसल के अंदर, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा आता है क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स या दानों की जो गुणवत्ता है, ठीक है। अब आपने जैसे नाम सुना होगा, हम लोग ये मानते हैं कि जो बासमती धान होता है वो सबसे हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बासमती धान जो है उसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या निर्यात करते हैं उसका, ठीक है, अलग दूसरे देशों के अंदर, ठीक है, तो उसका हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो बासमती धान जो है उसका निर्यात जो है वो अधिक आर्थिक महत्व का है, मोर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का है। तो गुणवत्ता जो है या क्वालिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है धान के अंदर या पैडी के अंदर। तो 3 ऐसे करेक्टर्स हैं या 3 ऐसे लक्षण हैं जो क्वालिटी से संबंधित होते हैं, जैसे कि कुकिंग क्वालिटी। जब हम धान को पकाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आप चावल लाते हो तो चावल जो है उसका प्राइस अलग अलग होता है, ठीक है, कोई 30 रुपये किलो आता है, कोई 60 रुपये किलो आता है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्वालिटी की वजह से ही है, ठीक है। अगर आपने 30 रुपये किलो मान लीजिए चावल ले लिया और आपने घर में चावल पकाया तो जो चावल हैं वो मिक्स हो जाएंगे, है ना, उसके जो ग्रेन्स हैं जो दाने हैं चावल के वो टूट जाते हैं और टूटने की वजह से वो क्या बन जाता है, मिक्सअप हो जाता है। लेकिन अगर आप 60 रुपये किलो वाला चावल जो है पकाओगे घर पे लाके तो उसके जो ग्रेन्स हैं या दाने जो हैं वो अलग अलग रहते हैं, तो इसका मतलब वो हाई क्वालिटी का है। तो सबसे पहला क्या आता है, कुकिंग क्वालिटी या इसको पकाने की जो गुणवत्ता है। दूसरा आता है मिलिंग क्वालिटी, मिलिंग का मतलब इसको जब हम पीसते हैं तो पीसने के टाइम टाइम पर किस तरह से इसका जो फ्लोर बनेगा, इसका जो आटा बनेगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी किस तरह की होगी, ठीक है। तो ये होती है दूसरी गुणवत्ता। तीसरा है प्रोसेसिंग क्वालिटी, ठीक है ना। जब हम लोग धान की प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग का मतलब जैसे सफाई करते हैं, ठीक है, उसको उसको सुखाते हैं, उसकी ड्राइंग करते हैं, ठीक है, उसका बीजोपचार करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस किस में आते हैं, प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो गुणवत्ता है वो किससे संबंधित होती है, प्रोसेसिंग से संबंधित होती है, तो प्रोसेसिंग क्वालिटी। तो ये 3 करेक्टर्स या लक्षण हैं जो गुणवत्ता से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था दूसरा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं रोग रोधिता, ठीक है, या डिजीज रेजिस्टेंस बोल देते हैं उसको। तो धान की फसल में कई प्रकार के रोग जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, अभी आर्थिक नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। रोग होने से क्या होगा भाई, एक तो जो उपज है या यील्ड है वो कम हो जाएगी और दूसरा जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की या जो गुणवत्ता है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाएगा धान का, ठीक है। तो इसलिए हमें रोग प्रतिरोधी जो क्षमता है वो विकसित करनी होगी धान के अंदर, तो ये भी एक उद्देश्य रहता है। अब धान के अंदर कौन कौन से रोग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, तो आपको आपने सुने ही होंगे धान के अंदर प्लांट पैथोलॉजी के अंदर, जैसे ब्लास्ट डिजीज़ है, ठीक है, लीफ ब्लाइट है, स्टेम रॉट है, ब्राउन स्पॉट है, ठीक है। ये चारों की चारों डिजीज़ जो हैं या तो बैक्टीरिया या फिर फंगस से संबंधित हो सकते हैं। ये 4 डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादातर किससे संबंधित होती हैं, फंगस से। इनमें से हो सकता है कोई वायरस सॉरी जो बैक्टीरिया है या जीवाणु से संबंधित भी हो। उसके बाद कुछ वायरस डिजीज़ भी होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा इसके अंदर राइस टुंग्रो वायरस एंड ग्रासी स्टंट वायरस। तो ये दोनों की दोनों डिजीज़ वायरस के द्वारा
धान की फसल में होते हैं। ठीक है, तो इन रोगों के प्रति रोधी किस्मों का निर्माण करना भी पादप प्रजनन का एक उद्देश्य जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं अपने आगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो कौन सा है भाई, कीट रोधता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि धान की फसल में कई तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट पेस्ट्स हैं या कीट हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसको क्षति पहुंचा सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं क्रॉप को, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लॉस होगा, वही यील्ड भी कम होगी, क्वालिटी भी कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन कीटों के प्रति जो रोधिता है वो हमें उत्पन्न करनी होगी धान की किस्मों के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से कीट हैं अभी, तो ये नाम आपने सुने होंगे एंटोमोलॉजी के अंदर, जैसे स्टेम बोरर है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, गाल मिज है, ठीक है, राइस बुंदी बग है, राइस मीली बग है, ठीक है ना। तो ये इंसेक्ट्स हैं जो डैमेज कर सकते हैं क्रॉप को, तो इनके प्रति हमें जो रेजिस्टेंस पावर है या प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप करनी होगी धान की किस्मों के। उसके बाद नेक्स्ट आता है संकर धान या हाइब्रिड राइस। तो संकर धान का विकास जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, ठीक है ना। जो संकर किस्में हैं धान की, उनको विकसित करने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए जो संकर धान का विकास है वो भारत में जो धान प्रजनन कार्यक्रम है, यानी कि जो राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम है, उसका एक प्रमुख अंग है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो संकर किस्मों का विकास करना भी एक उद्देश्य रहता है पादप प्रजनन का धान के अंदर। उसके बाद आता है उन्नत पादप प्ररोग या इम्प्रूव्ड प्लांट टाइप्स। इम्प्रूव्ड प्लांट टाइप्स कौन से होते हैं भी, ऐसे प्लांट्स जो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव होते हैं। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग पौधे को या प्लांट को जितनी ज़्यादा मात्रा में उर्वरक या फर्टिलाइजर देते हैं उतनी ही ज़्यादा वो उपज देता है। ठीक है, तो ये जो गुण है उसका वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव या उर्वरकता, उर्वरक संवेदिता कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे जो पौधे हैं वो क्या कहलाएंगे, इम्प्रूव्ड प्लांट टाइप्स कहलाएंगे, उन्नत पादप प्रकार कहलाएंगे। और इन्हें विकसित करने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, कहाँ पर, फिलीपींस के अंदर एक इंटरनेशनल सेंटर है राइस रिसर्च का, है ना, धान के ऊपर रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए। उसका नाम क्या है अभी, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा जापान के अंदर भी इम्प्रूव्ड प्लांट टाइप्स या उन्नत पादप प्रकार जो हैं वो विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर, तो ये भी एक उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन विधियाँ या ब्रीडिंग मैथड्स। तो ब्रीडिंग मैथड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि धान में कौन सी प्रजनन विधि के उपयोग से कौन सी किस्म को विकसित किया गया है। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अभी। ठीक है, तो आपको किस्म का नाम दे देंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी प्रजनन विधि के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, या फिर किस्म का नाम दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी फसल की किस्म है, तो ये आपको बताना होगा इसके अंदर। तो अगर किसी एक प्रजनन विधि पर क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए प्रतीप संकरण विधि आ गई, बैकक्रॉस मैथड आ गई, या प्योर लाइन सिलेक्शन मैथड आ गई, या म्यूटेशन ब्रीडिंग आ गई, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो किस्मों के नाम लिखने पड़ेंगे कि इस प्रजनन विधि के द्वारा ये किस्में धान के अंदर विकसित की गई हैं, और फिर उस प्रजनन विधि या ब्रीडिंग मेथड को डिस्क्राइब करना होगा। तो वो सेकंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ी हैं वो वहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ किस्मों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी प्रजनन विधि या ब्रीडिंग मेथड के उपयोग से कौन सी किस्म को विकसित किया गया है। तो सबसे पहला आता है पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। तो अलग अलग देशों से या अलग अलग कंट्रीज से धान की नई नई किस्मों को भारत के अंदर लाकर उगाया गया, यही क्या कहलाता है, पादप पुरस्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे IR8, इसका नाम पहले भी आया हुआ है, इसको कहाँ पर विकसित किया गया था, IRRI फिलीपींस में विकसित किया गया था, और वहाँ से 1968 के अंदर, 1968 के अंदर भारत लाया गया। ठीक है, तो फिलीपींस से भारत में इसका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन या पुरस्थापन। उसके बाद दूसरी किस्म का नाम आपको ध्यान में रखना है, CH1039, ठीक है, या 10369, CH1039। ये जो किस्म है वो चीन के अंदर विकसित की गई थी और चीन से भारत में लाई गई। भारत में कहाँ पे लाई गई, कश्मीर के अंदर। तो
तो इसका चीन से कश्मीर में क्या हुआ, प्रस्थापन या इंट्रोडक्शन हुआ। तीसरी किस्म आपको ध्यान में रखनी है नोरिन 18, है ना, नोरिन 18। तो ये जापान के अंदर विकसित की गई किस्म है और इसको भारत में कहाँ लाया गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसका मतलब इसका पुरस्थापन कहाँ से कहाँ हुआ है, जापान से हिमाचल प्रदेश में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। और चौथी किस्म जो आपको ध्यान में रखनी है वो है मैसूरी। मैसूरी किस्म जो है वो मलेशिया के अंदर विकसित की गई थी और मलेशिया से फिर भारत में इसका इम्पोर्ट किया गया, इसको आयात किया गया और भारत में कहाँ पे लाया गया, इसको आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इसका मतलब मैसूरी जो किस्म है इसका मलेशिया से आंध्र प्रदेश में पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है पहली ब्रीडिंग मेथड या पादप प्रजनन विधि। उसके बाद दूसरी विधि की हम लोग बात करें तो दूसरी विधि है भी शुद्ध वंशक्रम वरण, प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा या शुद्ध वंशक्रम वरण के द्वारा धान में दो किस्मों को विकसित किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं इसकी। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्या है, SR26B, ठीक है, या SR26B भी बोल देते हैं इसको। तो इसकी खास बात क्या होती है कि ये लवणता रोधी होती है, यानी कि ऐसी मृदा या सॉयल जिसमें लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उस एरिया में हम लोग इस किस्म को आसानी से उगा सकते हैं और उपज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी किस्म आपको ध्यान में रखनी है, FR43B या FR43B भी बोल देते हैं इसको। तो इसकी खास बात क्या है भी, ये बाढ़ वाले क्षेत्रों के अंदर, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उन क्षेत्रों के अंदर इस किस्म को उगाया जाता है, ठीक है। इस किस्म का जो रूट सिस्टम है, जो मूल तंत्र है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जिस वजह से आसानी से इसके जो प्लांट हैं वो ज़मीन को छोड़ते नहीं, ठीक है, रूट आउट नहीं होते बाढ़ के पानी की वजह से। तो और जो प्लांट्स हैं वो सूखते भी नहीं हैं बाढ़ की वजह से, बाढ़ के पानी की वजह से, यानी वाटर लॉगिंग की वजह से जो प्लांट्स हैं वो ड्राई नहीं होते। तो इसका मतलब ये बाढ़ सहिष्णु किस्म है, या हम क्या कह सकते हैं इसको, फ्लड टॉलरेंट वैरायटी, ठीक है। और जो SR26B थी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है। तो ये है अभी दूसरी प्रजनन विधि। उसके बाद तीसरी प्रजनन विधि की हम लोग बात करते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग, या इसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन। तो उत्परिवर्तन प्रजनन के अंदर हम लोग विभिन्न म्यूटाजेंस या उत्परिवर्तन जनों के उपयोग से फसलों के अंदर उत्परिवर्तन करवाते हैं या म्यूटेशन करवाते हैं, और उस म्यूटेशन की वजह से लाभदायक लक्षण जो है ना, वो किस्मों में उत्पन्न होते हैं और उससे नई किस्म जो है वो विकसित की जाती है। तो कौन कौन से हम लोग म्यूटाजेंस या उत्परिवर्तन जन यूज़ करते हैं, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहला है EMS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एथिल मेथेन सल्फोनेट। दूसरा है EI, ठीक है, दूसरा इसमें है NMH, सॉरी EI के बारे में बाद में बताऊंगा मैं, NMH जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, N नाइट्रोसो N मैथिल यूरिया, ठीक है। तीसरा है NEH, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, N नाइट्रोसो N एथिल यूरिया। उसके बाद क्या है EI का मतलब क्या है, एथिलीन इमाइन या एथिलीन इमीन भी बोल देते हैं इसको। और लास्ट क्या है EO का मतलब क्या है, एथिलीन ऑक्साइड। तो ये म्यूटाजेंस या उत्परिवर्तन जन है जिनका उपयोग हम लोग करते हैं धान में म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए या उत्परिवर्तन प्रजनन के लिए, ठीक है। अब हम लोग करवाते हैं कैसे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भी, बीज लेंगे जिस किस्म के अंदर हमें म्यूटेशन करवानी है, तो हमने एक पर्टिकुलर किस्म के बीज ले लिए। अब इन बीजों को हम लोग क्या करेंगे भी, जल के अंदर भिगोएंगे। कितने टाइम के लिए भिगोना है, 20 घंटे के लिए, ठीक है, 20 घंटे के लिए सामान्य जल के अंदर, कॉमन नॉर्मल वाटर के अंदर उसको डिप करके रखते हैं, उसको डुबो कर रखते हैं, ठीक है। 20 घंटे के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन बीजों को निकालेंगे और हम लोग इसको किस में डालेंगे, उत्परिवर्तक विलयन के अंदर, यानी म्यूटाजन सॉल्यूशन के अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। तो बीजों को हमने उत्परिवर्तक विलयन या म्यूटाजन सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, और कितने टाइम तक रखेंगे इसको, 8 घंटे तक। और इस सॉल्यूशन को कितने टेम्परेचर पर रखना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, 28 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 28 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखेंगे 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के बाद फिर से हम लोग बीजों को निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, हम लोग इसका बीज उपचार करेंगे, ठीक है। बीज उपचार करने के बाद फिर जब भी सीजन आएगा तो हम इन बीजों को क्या करेंगे, उगा देंगे, ठीक है, फील्ड के अंदर, खेत के अंदर। उससे क्या होगा, पौधे विकसित होंगे, ठीक है। अब हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में पौधे विकसित हुए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पौधों का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, ठीक है ना,
पौधों का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे फील्ड के अंदर घूमकर, और हम ऐसे पौधे की खोज करेंगे जिसमें लाभदायक म्यूटेशन या बेनिफिशियल म्यूटेशन या लाभदायक उत्परिवर्तन उत्पन्न हुआ। ठीक है, जब हमने उस पौधे को ढूंढ लिया तो उसके बीजों को एकत्रित कर लेंगे, और एकत्रित करने के बाद उससे अगली पीढ़ी उगाएंगे ताकि हम बीजों का गुणन कर सकें और नई किस्म विकसित कर सकें। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया रहती है उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, अब म्यूटेशन ब्रीडिंग या उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा कौन कौन सी किस्मों को विकसित किया गया है तो ये आपको बताना चाहिए। तो तीन किस्में हैं इसमें, IIT 48, IIT 60 और जगन्नाथ। ठीक है, तो ये तीन किस्में हैं जिनको धान में उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा या म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। तो उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो ब्रीडिंग मेथड है या प्रजनन विधि है वो कौन सी है, हेटेरोसिस ब्रीडिंग या हेटेरोसिस प्रजनन। तो हेटेरोसिस के बारे में हमने पढ़ा था सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो हेटेरोसिस ब्रीडिंग या हेटेरोसिस प्रजनन जो है उसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो दो कंट्रीज में के अंदर किया जाता है, एक तो चाइना के अंदर और दूसरा इंडिया के अंदर। ठीक है, तो चीन और भारत में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। चीन के अंदर इसके उपयोग से तीन किस्में विकसित की गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं अभी, SHAN U63, दूसरी है SHAN U64 और तीसरी कौन सी है, V64। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चाइना की। तो चीन के अंदर जितना भी संकर धान उगाया जाता है, यानी कि टोटल जो संकर धान उगाया जाता है, उस संकर धान में से 35% जो संकर धान है वो कौन सा होता है, SHAN U63 वेराइटी होती है। ठीक है, 35%। SHAN U64 जो है वो कितने परसेंट उगाई जाती है, 6% टोटल संकर धान का या टोटल जो हाइब्रिड पैडी उगाया जाता है, और जो V64 है ये 4% उगाया जाता है। ठीक है, चाइना के अंदर। तो ये कुछ आंकड़े हैं इसके बारे में जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में हेटेरोसिस ब्रीडिंग के द्वारा या हेटेरोसिस प्रजनन के द्वारा कई तरह की किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं, और काफ़ी फेमस किस्में हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहले आती है पूसा RRH 10। ठीक है, पहली है पूसा RRH 10, दूसरी है बासमती 370। ठीक है, उसके बाद फिर पूसा के नाम से 5 वेराइटीज़ डेवलप की गई थी जो कि हेटेरोसिस ब्रीडिंग से डेवलप की गई हैं, पूसा 150। ठीक है, 443, फिर 449, 506 और 523। तो ये 5 वेराइटीज़ या किस्में हैं जो हेटेरोसिस ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप की गई थी। तो ये पूसा के नाम से डेवलप की गई। उसके बाद पूसा बासमती है ना, बासमती धान आ गया, पूसा बासमती 1121, ये एक किस्म है जो दिल्ली राज्य के लिए विकसित की गई थी। मतलब दिल्ली राज्य के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे धान उगाया जाता है, उन क्षेत्रों के लिए पूसा बासमती 1121 किस्म जो है वो विकसित की गई थी। और कब विकसित किया गया था इनको, इसको 2003 के अंदर विकसित किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद और किस्म एक विकसित की गई, उन्नत पूसा बासमती। ठीक है, इसके आगे उन्नत लगा दिया गया, उन्नत पूसा बासमती 1। ठीक है, तो ये 2007 में विकसित की गई थी, और ये जीवाणुरोधी किस्म है। इसका मतलब जीवाणुओं के द्वारा अगर कोई रोग उत्पन्न होता है धान के अंदर तो वो इसमें नहीं होगा, तो जीवाणुओं के प्रति ये रोधी किस्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पूसा बासमती 6, तो पूसा बासमती 6 जो है ये पतन रोधी है, इसका मतलब लॉजिंग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके जो पौधे हैं उनकी हाइट कम होती है, तो ये बॉनी किस्म है, और ये 2008 में विकसित की गई थी। ठीक है, पूसा बासमती 6 जो है ये 2008 में विकसित की गई थी। चलिए, उसके बाद फिर लास्ट इसमें बात करते हैं पूसा सुगंध। तो पूसा सुगंध की 3 किस्में आई थी, पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 3 एंड उसके बाद 5। तो ये 3 किस्में हैं, इनकी खास बात क्या होती है, ये अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ हैं, यानी कि शीघ्र पकने वाली किस्में हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हेटेरोसिस ब्रीडिंग या हेटेरोसिस प्रजनन के अंदर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको अपने। नेक्स्ट जो ब्रीडिंग मेथड है या प्रजनन विधि है वो कौन सी है, किस्म संकरण या वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस विधि है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, लोकप्रिय है, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, यानी सफल विधि है। ठीक है, और इसके द्वारा धान के अंदर बहुत सारी किस्मों को विकसित किया गया है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो इसी का किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या किया जाता है, अभी एक किस्म का संकरण जो है वो दूसरी किस्म के साथ करवाया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, जो देसी किस्म है ना, इंडिजीनस जो वैरायटी है उसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा, किसके साथ, विदेशी किस्म के साथ, यानी कि एग्जॉटिक वैरायटी के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो वंशावली विधि का किया जाता है। सबसे ज़्यादा किस्में जो हैं इसमें वंशावली विधि के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, यानी कि पेडिग्री मेथड के उपयोग से डेवलप की जाती हैं। और कुछ किस्में या कुछ वैरायटीज़ इसमें ऐसी भी हैं जो प्रतीप संकरण विधि यानी कि बैक क्रॉस मेथड के द्वारा डेवलप की जाती हैं। ठीक है, तो ये किस्म संकरण या वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन सी किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं। तो बिरसा धान 12 या 12, CSR 10, ठीक है, इसके अलावा शकुंतला, जितेंद्र, पुनेंद्र, चिनाव, महामाया, निधि, तो इन किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रजनन विधि है या ब्रीडिंग मेथड है वो है दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, अभी हम लोग या तो अलग अलग जातियों के अंदर या अलग अलग वंशों के अंदर संकरण करवाते हैं। ठीक है, इसको दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो दूरस्थ संकरण धान में किस लिए करवाया जाता है, अभी रोधी जीन को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, जो जंगली पौधे हैं या जो जंगली जातियां हैं, वाइल्ड स्पीसीज हैं, उनमें क्या होता है, रोधी जीन उपस्थित होते हैं या रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग फसली किस्मों के अंदर स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स के अंदर उनको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण करते हैं। तो हम लोग ओराइजस टाइबा जो हमारी कल्टीवेटेड स्पीसीज है यानी कृष्य जाति है, उसका हम लोग संकरण करवाते हैं किसके साथ, जंगली जातियों के साथ, है ना। तो उदाहरण के लिए जैसे ओराइजस टाइबा का संकरण करवाया जाता है किसके साथ, ओराइजा निवारा के साथ। ठीक है, ओराइजा निवारा क्या है, अभी एक जंगली जाति है, वाइल्ड स्पीसीज है, और इसमें एक जीन पाया जाता है जो टुंग्रो वायरस के प्रति रोधी होता है। तो ये जो जीन है वो इम्पोर्टेंट है, तो इस जीन को हम लोग स्थानांतरित करते हैं किसके अंदर, ओराइजा सटाइवा के अंदर। तो इसीलिए इन दोनों जातियों का क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो ये है अभी नेक्स्ट जो प्रजनन विधि है या ब्रीडिंग मेथड है। उसके बाद फिर लास्ट जो ब्रीडिंग मेथड है या प्रजनन विधि है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कोशिकीय व आणविक प्रजनन, या इसको बोल देते हैं सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अभी अनुवंशिक अभियांत्रिकी के उपयोग से, या हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग से, हम लोग क्या करते हैं, एक किस्म में से जीन को निकालते हैं। ठीक है, लैब के अंदर किस्म में से जीन को निकालते हैं, जो वांछित जीन होता है या डिज़ायर्ड जीन होता है, और उसको मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के उपयोग से यानी कि आणविक तकनीकों के उपयोग से उसको जीनोम के अंदर, है ना, फसल के जीनोम के अंदर या क्रॉप के जीनोम के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं या समावेशित करवा देते हैं। ठीक है, तो इस विधि में ऐसा करते हैं। तो एक किस्म है FR13A, FR13A जो है इसको हम लोग दाता किस्म भी बोलते हैं, है ना, दाता किस्म क्यों बोलेंगे इसको। तो कोशिकीय व आणविक प्रजनन या सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के उपयोग से हम लोग जीन को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, एक पौधे से निकालकर या एक किस्म से निकालकर किसी दूसरी किस्म के अंदर, जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, तो बीटी कॉटन में हमने क्या किया है, बीटी जीन जो है उसको जीवाणु से निकालकर और हमने कॉटन या कपास की फसल के जीनोम में स्थानांतरित किया। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे बस किस्म अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग धान ही ले रहे हैं, तो धान की एक किस्म है FR13A, इससे हम लोग जीन ले रहे हैं, इसका मतलब ये जीन दे रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, दाता किस्म या डोनर वैरायटी। ठीक है, इसमें से हम लोग एक जीन निकालते हैं और जीन का नाम क्या है, अभी SEB1। ठीक है ना, SEB1 जीन को निकालते हैं और किसमें स्थानांतरित करते हैं, इसको स्थानांतरित किया जाता है स्वर्णा के अंदर, है ना, स्वर्णा जाति है किसकी, स्वर्णा किस्म है किसकी, धान की। तो स्वर्णा किस्म के अंदर हम लोग इसको स्थानांतरित करते हैं, तो स्वर्णा क्या कर रही है, जीन को ग्रहण कर रही है, रिसीव कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राही किस्म या रिसेप्टिव वैरायटी। ठीक है, चलिए, और फिर इससे होगा क्या, नई किस्म विकसित हुई, जब हमने जीन को स्थानांतरित कर दिया तो स्वर्णा का नाम जो है अब बदल कर क्या रख दिया गया, IR49830-7। ठीक है, ये इस नई किस्म, नई विकसित किस्म का नाम है। ठीक है, इसके अलावा
अच्छा, इसके इसकी खास बात क्या होती है, ये जो हमने IR498307 विकसित की है, इसकी खास बात ये होती है कि ये जलमग्न रोधी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके पौधे पानी के अंदर डूब जाएं, है ना, जो प्लांट्स हैं इसके वो पूरी तरह से उनकी ड्राउनिंग हो जाए, पूरी तरह से वो डूब जाएं, तो भी पौधे नष्ट नहीं होंगे, ठीक है ना, पौधे तब भी सर्वाइव कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो ये खास बात होती है इस विकसित किस्म की। इसके अलावा अन्य किस्में हैं दो, जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, मैं नाम बता देता हूँ, जैसे मसूरी है या सावित्री है। तो ये दो इम्पोर्टेंट किस्में हैं जो कोशिकीय व आणविक प्रजनन विधि के द्वारा विकसित की गई, ठीक है। तो ये है अभी प्रजनन विधियाँ या ब्रीडिंग मेथड्स जो धान के अंदर उपयोग की जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ आपने और सुनी होगी, गोल्डन राइस या सुनहरे धान के बारे में, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोल्डन राइस है या सुनहरा धान है वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया था। तो इस वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जर्मन का रहने वाला था, ये जर्मन वैज्ञानिक था, इंगो पोट्रिकुस, ठीक है, इंडो पोट्रिकुस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने गोल्डन राइस को डेवलप किया था। तो इसने किस तरह से डेवलप किया था वो हम लोग देखेंगे। जो गोल्डन राइस है या सुनहरा धान है ये क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीनोम है, है ना, धान का जो जीनोम है उसको रूपांतरित किया गया है या मॉडिफाइड किया गया है। कैसे मॉडिफाइड किया गया है, नए जीनों को समावेशित करके, ठीक है, नए जीनों को समावेशित करके या नए जीनों को इंट्रोड्यूस करवा के इसके जीनोम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो विकसित या डेवलप्ड जो प्लांट्स हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक पौधे बोल देते हैं। तो ये भी क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, ठीक है। अब बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन क्या होता है भी, ये विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है ना, पूर्वगामी होता है। इसका मतलब बीटा कैरोटीन से क्या बनता है, आगे चलकर विटामिन ए बनता है, ठीक है। तो हम पहले क्या होता था कि जो धान है या जो चावल है उससे हमें विटामिन ए नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान में रखना। लेकिन जो गोल्डन राइस है, जो पीला धान है या सुनहरा धान है, आपने मार्केट से खरीदा भी होगा, तो इससे हमें विटामिन ए जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन जो सफ़ेद धान होता है, जो सफ़ेद चावल आप लोग खाते हो, उसमें विटामिन ए नहीं होता, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनेगा। बीटा कैरोटीन को बनाने के लिए तीन एंजाइमों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर ये तीन एंजाइम धान के बीजों के अंदर उपस्थित हों तो धान के बीजों में भी बीटा कैरोटीन बन सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, तीन एंजाइमों के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो तीन एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं, जीनों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो हमने क्या किया, इन तीनों एंजाइमों को बनाने वाले तीन जीनों को स्थानांतरित कर दिया, किसके अंदर, धान के जीनोम के अंदर, ठीक है। अब ये जो तीनों जीन हैं वो अपनी अभिव्यक्ति कब देते थे, ये कब एक्सप्रेस होते थे, एंडोस्पर्म के अंदर या भ्रूणपोष के अंदर। इसका मतलब जो धान का बीज है उसमें जो एंडोस्पर्म है या भ्रूणपोष है उसके अंदर इन तीनों जीनों की अभिव्यक्ति होती थी, जिससे क्या बनते थे, तीन एंजाइम्स बनते थे। और ये तीन एंजाइम्स किसका निर्माण करते थे, बीटा कैरोटीन का। और बीटा कैरोटीन कैसा होता है भाई, येलो कलर का होता है या गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। इसीलिए बीजों का जो रंग था वो कैसा हो जाता था, पीला या गोल्डन कलर का या सुनहरा हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह से इंगो पोट्रिकुस ने गोल्डन राइस या सुनहरे धान का निर्माण किया, ठीक है। चलो, तो गोल्डन राइस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, अनुसंधान संस्थान या इसको बोल देते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो तीन इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, जो धान पर अनुसंधान करते हैं या धान के प्रजनन पर या राइस ब्रीडिंग पर अनुसंधान चल रहा है जहाँ पे। तो इनके नाम ध्यान में रखने हैं, इनमें से जो दो हैं वो तो इंडिया के अंदर ही हैं और एक जो है वो इंटरनेशनल है, जो कि कहाँ है, फिलीपींस के अंदर है। तो इनकी फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, जैसे NRRI सबसे पहला है, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, कटक ओडिशा के अंदर है, ठीक है, कटक ओडिशा के अंदर है ये, तो जगह का नाम ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद दूसरा है IIRR, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च,
ये कहाँ पे हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद अब कहाँ आता है, तेलंगाना के अंदर आता है, ठीक है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। तीसरा है IRRI, या इसको बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे है, फिलीपींस के अंदर है, फिलीपींस में एक जगह है लॉस बेनोस नाम से, ठीक है, तो लॉस बेनोस फिलीपींस के अंदर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उपस्थित है। तो इन तीनों में से किसी पे भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।